ये ऐसे ही लेटे लेटे पूरा मंदिर तक जाएंगे। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे बासुकीनाथ और फिर दिखाती हूँ मैं आगे जो भी होगा, आप लोग बने रहो। ब्लॉगर का इतना बड़ा प्रॉब्लम है यार, मेरा फोन ही डिस्चार्ज हो गया वीडियो बनाते बनाते। इसके फोन से मैं बना रही हूँ और दिखाती मैं आप लोगों को यहाँ से व्यू कितना मस्त है। बासुकी धाम और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सकल बाल और शरीर सब थक के चूर हो चुका है क्योंकि फास्ट हुई है। अभी हम लोग जाएंगे जो सुल्तानगंज से जल भरे थे उसको वहाँ पे चढ़ाएंगे। उससे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ जो क्या शिव गंगा बोलते हैं ना, शिव गंगा है, उसमें या तो नहाएंगे या तो पानी छीट लेंगे, जैसा भी ये लोग सब करेंगे वैसे हम लोग करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे, चलते हैं दिखाती हूँ मैं आपको भी। चलो, लिटरली ऐसा फील आ रहा है जैसे सुई में चल रहे हम लोग। एक तो खाली पैर ऊपर से ऐसा रो, बट कोई बात नहीं, भोलेनाथ के लिए सब कुछ। इतना खूबसूरत व्यू, जूम करो तो थोड़ा इस पर देखो, इतना सुंदर लग रहा है। पूर्णिमा है इसलिए ऐसा लग रहा है। गंगा घाट और यहीं पे पीछे जस्ट गंगा घाट है। अभी इस पे नहाना तो पॉसिबल नहीं है, शाम हो चुका है। हाँ, हाथ पैर धो के जाएंगे ये जल चढ़ाने के लिए। पर देवघर से कम भीड़ है, इसी के अंदर हम लोगों को जाना है। बट फिर भी हम लोगों की पूजा हो गई अच्छे से। अब हम लोग यहाँ पे रूम लेंगे और वहीं पे नाइट स्टे करेंगे, फिर कल मॉर्निंग को पूजा होगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, तो आज सेकेंड डे हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं बासुकी धाम में। आज मतलब रात को, कल रात को हम लोग स्टे किए थे यहाँ पे, अभी हम लोग सब जाएंगे बासुकी धाम में ही। यहाँ पे कुछ पूजा है, वो पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे तारापीठ। तो फिलहाल अभी चलते हैं, थोड़ा मार्केटिंग करना है वहाँ पे, कुछ चीज़ें लेनी है बाकी लोगों के लिए और खुद के लिए भी। और मेरे साथ है मौसा। जारी किधर है? आ गए हम लोग मार्केट में, ये पूरा यहाँ का मार्केट है। अभी देखते हैं हम लोगों को क्या क्या अच्छा अच्छा मिल सकता है। शिव गंगा का व्यू ऐसा है यहाँ पे दिन का, सुबह का। ना कि हम लोग रूम से ही आए थे इसलिए यहाँ पे बस पानी से थोड़ा वो क्या बोलते हैं शुद्धि कर लिए छीट के। और इधर नानी और मेरी मौसी भी जो है मतलब मम्मी, वो भी कर रही है। अब हम लोग चलेंगे मंदिर, वहाँ पे पूजा होनी है आज, वो पूजा होगी, उसके बाद कुछ खा के फिर हम लोग निकलेंगे तारापीठ। यहाँ पे एक दंत बैठक करके भी होता है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये ऐसे ही लेटे लेटे पूरा मंदिर तक जाएंगे। ये इसमें बोलते हैं कि कोई अगर मन्नता या मान्नत रहता है वो पूरा होने से ऐसा किया जाता है कि डन बैठक, मतलब लेटे लेटे पूरा मंदिर तक जाना होता है। तो बहुत बहुत ज़्यादा भक्ति और क्या बोलूँ मैं,
श्रद्धा है यार लोगों की, और सारे विश पूरे होते हैं ऐसे कहते हैं, तो जिसके जिसके विश पूरे होते हैं वो लोग वैसे करते हैं, सबकी अलग अलग मान्यता होती है, जिसकी जैसी है वैसी ही। पूजा हो गई हम लोगों की और आज बहुत ही अच्छे से हुई, बहुत ज्यादा भीड़ थी पर फिर भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया और काफी टाइम भी लग गया। वैसे तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही अंदर कितनी ज्यादा भीड़ थी। फिलहाल अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, कुछ खाएंगे क्योंकि भूखे थे, फास्ट था सबका, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे तारापीठ की तरफ, तो आप लोग को वो भी जरूर दिखाएंगे, तो आप लोग बने रहो। देखो मेरे पीछे पूरा मंदिर है, अभी मैं फिलहाल मंदिर में ही हूँ, अभी जस्ट निकल रही हूँ और प्यास से तो मेरा गला क्या बताऊँ, बहुत प्यास लगी है। चलते अब पेड़ा खरीदने में, देखो बार्गेनिंग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली मिडिल क्लास लोग बार्गेनिंग ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। और हम लोग अभी खा लिए और पानी भी बहुत सारा पिए, और मैं तो अकेले 4-5 ग्लास पी गई हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी सब लोग यहाँ पे पेड़ा वगैरह प्रसाद वगैरह ले रहे हैं और मार्केट वगैरह में थोड़ा लेंगे हम लोग, स्वीटी के लिए भी कुछ कुछ लेना है, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे तारापीठ की तरफ। ये चल रही है बार्गेनिंग 101-102। हम लोग इतनी सारी चूड़ियां लिए क्योंकि इतनी सारी मौसी और इतनी मामी तो एक ही है, इतनी सारी मौसी है अभी कम पड़ रही है, भैया निकाल ही नहीं पा रहे हैं कि इतना चाहिए हम लोगों को, साइज भी नहीं, नहीं भैया दूसरा कलर मिल ही नहीं रहा हम लोगों को। और इतने ज्यादा थके हुए ना हम लोग, और इतना काम नींद हुआ है ना हम लोगों का, आँख से तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। देखो आ गया रामू और श्यामू, ये रहे रामू और वो रहे श्यामू, हम लोगों का नहीं हुआ अभी तक, और रामू श्यामू यहाँ आ गए हम लोग को देखने के लिए, इतना देर लग गया। अभी रामू श्यामू बार्गेनिंग करेंगे। देखो ये सैनिटाइजर, इसका नाम सैनिटाइजर है क्योंकि ये दिन में कम से कम 100 times सैनिटाइज करता अपना है। देखिए देखिए आप लोग, आप लोग कुछ सीखिए इससे और सैनिटाइज कीजिए अपने आप। दो शब्द हम बोल रहे, दो शब्द हाँ बोलिए, हम दो शब्द यही बोलना चाह रहे हैं। यहाँ हम लोग सब लोग आए हैं बासुकीनाथ में, सब दर्शन करने के लिए, सबको दर्शन हो गया है, सामान सब खरीदा जा रहा है। ये दो शब्द था, ये दो शब्द था। शिवम को वहाँ पे चाचा बोल दिया, एक लोग बोलता है चाचा पानी रख दीजिए, एयरडॉल है, मस्त मजा आया लेगी है, एयरडॉल बढ़िया देखो मोसा। शिवम को जो चाचा बोल दिया कैसा लगा? किसको बोला था को? क्या नहीं नहीं, दो तो उनको बोला चाची, सही जवाब, ये दोनों मिलके झूठ बोल रहे हैं।
ओके तो अब हम लोग निकल रहे तारापीठ के तरफ। होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब हम लोग चलते हैं, तो वो वाला पार्ट जो भी तारापीठ का हो वो अगले ब्लॉग में आप लोगों को मिलेगा। होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू।